नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का हैप्पी इन्वेस्टर्स के एक और नए एपिसोड में सबसे पहले आपके लिए डिस्क्लेमर आज बात करेंगे टाटा केमिकल्स की दोस्तों इससे पहले मैं बताना चाहता हूं हैप्पी इन्वेस्टर्स एकमात्र जगह जहां पर आपको मिलते हैं छोटे छोटे वीडियोस में छोटे छोटे टाइम फ्रेम में बड़े बड़े मल्टी बैगर के अपडेट्स और मल्टी बैगर के पिक तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम रोज़ मल्टी बैगर आपके लिए लेकर के आते रहते हैं और छोटे से छोटे वीडियोस में हम अपना ओपिनियन और सजेशंस आपके साथ शेयर करते हैं चलिए बात करते हैं आज टाटा केमिकल्स की दोस्तों चलिए स्वागत है आप सभी का ज़ीरोधा के चार्ट सेक्शन में अगर आप जीरोधा में या फिर स्टॉक नोट एप्लीकेशन में जहाँ पर हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ के कंटेंट देते हैं अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप उस पर अकाउंट खुलवा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर चलिए सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा टाटा केमिकल्स के स्विंग ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने मेरे वीडियोस काफ़ी पहले के समय से देखे होंगे मैं उनको बताना चाहूँगा दोस्तों हम इस टाटा केमिकल को इस प्राइस पर ट्रैक कर रहे थे जब ये यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी हमें ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था दोस्तों ये भी ये वाला भी गिरावट देखने को मिला था मैंने बार बार दोस्तों इसी मेरे पुराने वीडियोस जाकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने आपको ये स्टॉक तब भी रिकमेंड किया था कि जब सिक्स सेवन हंड्रेड से भी नीचे मिल रहा था दोस्तों ये स्टॉक और आज की डेट में मैंने आपके कहा था कि टारगेट का मेरा वो थमनेल है उसमें टारगेट भी मैंने आपको दिया था पंद्रह का हज़ार का टारगेट दिया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको ये वाकरी में स्विंग ट्रेडिंग के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है और आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा तो सबसे पहले उन स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने अगर मेरा वो वीडियो देख करके इन्वेस्ट किया होगा तो आप आज अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है अब उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी अब देखो यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है ठीक अब वॉल्यूम इतना सारा जनरेट हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो है ही है दूसरी सबसे बात अच्छी ये है कि अभी दोस्तों टाटा केमिकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टॉक है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक रेवोल्यूशन चल रहा है जिसमें बैटरीज की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और टाटा केमिकल्स इस सेक्टर में बड़ी बखूबी अपना कदम जमाने की कोशिश में लगी पड़ी है तो आपको इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए मैंने तब भी आपको बोला था कि ये स्टॉक आपको करीब करीब हज़ार रुपये या पंद्रह सौ रुपये भी देखने को मिल जाएगा कुछ ही महीनों में कुछ ही सालों में और ये सच बात है यहाँ पर अब ये स्टॉक जो ओपन हुआ है वो गैप अप में ओपन हुआ है तो जाहिर सी बात है थोड़ा आपको वेट भी करना चाहिए एस आई पी के फॉर्मेट में ही इन्वेस्ट कीजिएगा क्योंकि जब भी कोई गैप अप क्रिएट होता है तो टेक्निकली ऐसा माना जाता है कि जब गिरावट आती है तो वो गैप फिलिंग होती ही होती है तो आपको वो गैप फिलिंग का वेट करना है लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस प्राइस पर भी एक एक स्टॉक करके बाई करना शुरू कर सकते हैं एक स्टॉक यानी कि आठ सौ रुपये का हो गया तो एक एक दो दो स्टॉक क्वांटिटी आप एस आई पी के फॉर्म में बाई कर सकते हैं टाटा केमिकल्स के लिए मेरी तरफ से बुलिश हूँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये लेवल अच्छा नहीं रहेगा आप गिरावट में भी बाई कर सकते हैं मार्केट में करेक्शन अगर आता है तो आपको एक अच्छा खासा मिल जाएगा स्टॉक बाई करने के लिए स्विंग ट्रेडिंग में और दूसरी बात यह है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको मैं एस आई पी के फॉर्मेट में ही इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा क्योंकि आपको पता है ये स्टॉक पहले भी 800 के लेवल तक जा चुका है और वहाँ से वापस से प्रॉफिट बुकिंग आती है और वापस से नीचे आ जाता है स्टॉक तो इसके अंदर फ्लक्चुएशन भी रहेंगे दोस्तों तो आपके लिए एस आई पी का फॉर्मेट ही सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा इस स्टॉक के लिए इन्वेस्टमेंट का तो उस हिसाब से अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कंसिडर करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा बाकी आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा मिलेंगे फिर से किसी नए अपडेट के साथ नए स्टॉक के साथ तब तक के लिए देखते रहिए हैप्पी इन्वेस्टर्स बाय